हरिओम सभी को। इस समय मघा नक्षत्र लगा हुआ है और मघा नक्षत्र का पानी बहुत ही गुणकारी होता है, सभी बीमारियों का इलाज होता है। मघा नक्षत्र का जल जो विशेष गुणकारी होता है। इस बार मघा नक्षत्र लगा है 17 अगस्त की रात को 1:44 पर और 31 अगस्त 9:44 की सुबह को ख़त्म हो जाएगा। यानी 17 अगस्त से 31 अगस्त तक है भगवान सूर्य, जब मघा नक्षत्र में भगवान सूर्य की जब उपस्थिति होती है तब होने वाली बरसात का पानी गंगा जल के समान पवित्र होता है, यानी गंगामय होता है। मघा नक्षत्र का पानी छान कर रख लिया जाता है, ये साल भर खराब नहीं होता है। इसे छान कर रख लें यानी स्टोर करके रख लें। ये देखिए हमने पहले से ही बर्तन रख दिया था, पानी बरस रहा था तो छत के ऊपर, और ये पानी स्टोर करके हम रख रहे हैं। इसे छान लेंगे, वो जिसके ऊपर जाली रखी हुई है भगोने के ऊपर, वो हमने रात में रख दिया था, इससे बंदर उंदर खोले तो पता चले। ये तो हम लोग बैठे देख ही रहे हैं, पानी बहुत तेज बरस रहा है। और कल भी बरसा था तो हम लोगों ने स्टोर करके रख लिया था। देखिए कितनी तेज पानी बरस रहा है। इस जल को आप छान के आँखों में डालिए, दवा के साथ इसे लीजिए, एकदम बहुत ही प्योर है। और ये सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये साल भर ख़राब नहीं होता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि साल भर ख़राब नहीं होता। आप इसे रख लें स्टोर करके तो फिर ये साल भर ख़राब नहीं होगा। सभी बीमारियों का इलाज है मघा नक्षत्र का जल। देखिए कौवा भी बैठा है टंकी के ऊपर, नहा रहा है बढ़िया से। ये देखिए मघा नक्षत्र जिस समय से लगता है, जिस तिथि से लगता है, उसी समय ये पानी स्टोर करके रखा जाता है। वैसे तो पानी बहुत बरसता है लेकिन जो मघा नक्षत्र लगता है तब का पानी स्टोर करके रखा जाता है, वो बहुत गुणकारी होता है। इसलिए इस समय लगा हुआ है मघा नक्षत्र 17 अगस्त 1:44 से लगा है, रात की 1:44 से, और 31 अगस्त कि सुबह 9:44 पे ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए हरिओम सभी को।